हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद थॉट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो भी आपने बड़े बड़े आर्टिस्ट को देखा होगा जो पेंसिल स्केच के अंदर अपने के अंदर नोज कितना एक्यूरेसी के साथ कितना अच्छा नोज बनाते, तो हम वैसे ही नोज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो ओनली बिगनर्स के लिए, जो भी अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं ये वीडियो उनके लिए है। तो आप आराम से बैठिए, आराम से हमारी वीडियो देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो साथ में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हे फ्रेंड्स, तो मैं अब आपको जैसे मैंने ना उसको ड्रा करना सीखा था वैसे ही सिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको एक बेसिक सी फिगर है उसे ध्यान में रखना है। कोई स्ट्रक्चर से अपना कर नहीं दिखा रहा, मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ कि कैसे बनाए। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में तो बस इतना ही था, उसके बाद सेकंड पार्ट में मैं सेम टू सेम वैसे ही फिगर ड्रा करूँगा। ये आप देख सकते हैं, वैसे ही फिगर ड्रा करने के बाद जो मैंने लाइंस लगाई थी उस फिगर में उनके चारों तरफ मैं हल्की हल्की शेडिंग करूँगा। अगर आप चाहें उन्हें ब्लेंड भी कर सकते हैं अगर आपको और रियलिस्टिक दिखाना है उसे। थर्ड पार्ट के अंदर हमने जो भी शेडिंग की थी उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। मैं ब्लेंडिंग के लिए ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। ध्यान रखना कि ब्रश सॉफ्ट होना चाहिए, मैं इसके लिए मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी सॉफ्ट ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसके ऊपर लेयर्स चढ़ानी है पेंसिल की। मैं इसके लिए 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो कोई भी डार्क पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा जो नोज है वो अब कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।